हेलो बच्चों, लॉज ऑफ मोशन सीरीज में मजा आ रहा है कि नहीं? बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन से दिमाग के जो तार हैं वो खुल रहे हैं कि नहीं? और भी बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन हम आगे आपके लिए लेकर आएंगे। तो लॉज ऑफ मोशन में लास्ट लेक्चर में हमने सीख लिया है, लास्ट जितने भी लेक्चर्स हमने गए हैं उनमें हमने सीख लिया है कि न्यूटन साहब के सिद्धांत को कैसे हम यूज करते हैं। पुली प्रॉब्लम, ब्लॉक प्रॉब्लम, इक्विलिब्रियम, बहुत सारी अच्छी अच्छी प्रॉब्लम हम सीख चुके हैं। आज हम करने जा रहे हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक जिसका नाम है फ्रिक्शन। जिसका नाम है फ्रिक्शन। फ्रिक्शन से जुड़ी हुई चीजें हम सीखने जा रहे हैं। फ्रिक्शन बहुत परेशान करती है बच्चों को। बेसिकली फ्रिक्शन की डायरेक्शन बहुत परेशान करती है, लेकिन इस परेशान करती हुई चीज को बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से, बहुत ही अच्छे से आज हम यहाँ सीखेंगे। इसको आप पूरा अच्छे से देखिएगा, समझिएगा, और फ्रिक्शन में मैं गारंटी लेता हूं आपको किसी तरीके की कोई भी तकलीफ, कोई भी दिक्कत आने वाली नहीं है। पहले हम बेसिक बेसिक बातें करेंगे, फ्रिक्शन क्या है। अच्छा, ये वर्ड आप सभी ने सुन रखा होगा, फ्रिक्शन। बहुत जगह आपने सुना होगा फ्रिक्शन। फ्रिक्शन क्या है ये हम देखते हैं। देखिए, जब जब भी दो बॉडीज आपस में कांटेक्ट में होती हैं तो उन दोनों के बीच में एक कांटेक्ट फोर्स लगती है, ये तो मैं बता ही चुका हूं। उस कांटेक्ट फोर्स का परपेंडिकुलर कंपोनेंट हम पढ़ चुके हैं, जिसको हम बोलते हैं नॉर्मल रिएक्शन। उस कांटेक्ट फोर्स का आज हमें पढ़ना है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, जिसको बोलते हैं फ्रिक्शन। जिसको क्या बोलते हैं? फ्रिक्शन। बच्चों के दिमाग में बैठा हुआ होता है ये मिथ है ये कि फ्रिक्शन अपोजेस द मोशन। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है कि फ्रिक्शन अपोजेस द मोशन। रॉन्ग। अब फ्रिक्शन, फ्रिक्शन की वजह से ही आप चल पाते हो। अगर फ्रिक्शन नहीं होगी ना यार, तो आप चल नहीं पाओगे। एक बहुत ही बढ़िया सा एग्जांपल मैं आपको देता हूं कि फ्लोर पर आप तेल बिखेर दीजिए, ऑयल बिखेर दीजिए, ग्रीस लगा दीजिए, और फिर उस पर चल के दिखाओ, चल ही नहीं पाओगे। आप स्लिप हो जाओगे। क्या हो जाओगे? स्लिप। गाड़ी, कार, जैसे ही आप स्टार्ट करते हो, एक्सेलरेट करते हो, वैसे ही क्या होता है, सिर्फ उसका पहिया घूमता है। गाड़ी के पीछे की इंजीनियरिंग क्या है? जैसे ही आप उसका एक्सीलेटर दबाते हो तो उसका सिर्फ पहिया घूमता है, रोल करता है। आगे तो फ्रिक्शन लेकर के जाती है। तो फ्रिक्शन अपोजेस द मोशन, ये बहुत ही गलत चीज है। फ्रिक्शन सपोर्ट्स द मोशन ऑल्सो। फ्रिक्शन बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही जबरदस्त चीज है। एक ऐसे समझिए, मान लीजिए आप बस में बैठे हुए हो, क्लियर एकदम। आप बस में लेट से खड़े हुए हो, बस में खड़े हुए हो, बस का फ्लोर ये रहा, लेट से ये बस का फ्लोर है अपना, ये बस का फ्लोर, और इस तरीके से रोड पर लेट से बस मूव कर रही है, क्लियर एकदम। आप इस पे खड़े हुए हो, आप यहां पर खड़े हुए हो लाइक दिस। मान लो फ्रिक्शन नहीं होती तो क्या होता? मान लो फ्रिक्शन नहीं होती तो क्या होता? ये जो फ्लोर है, ये जो फ्लोर है, आपके पैरों के नीचे से स्लिप करता हुआ आगे बढ़ जाता और आप नीचे गिर जाते। मतलब कि बस के साथ आप मूव कर रहे हो जस्ट बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन। देर इज सम फ्रिक्शन बिटवीन द सरफेस, बिटवीन द सरफेस एंड द योर लेग। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्या कंसेप्ट एकदम क्लियर? क्योंकि एक फ्रिक्शन फोर्स एक्ट कर रही है बस के फ्लोर में और आपके पैरों के बीच में। उसी फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से आप बस के साथ साथ आगे मूव करते हो। वहीं मान लीजिए एक ब्लॉक रखा हुआ है, ब्लॉक भी आगे जा रहा है जस्ट बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन अपोजेस द मोशन, क्या ये स्टेटमेंट ठीक है? भाई ये स्टेटमेंट एकदम गलत है, पहली बात तो ये जान लो। दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग। फ्रिक्शन नेवर अपोजेस द मोशन। फ्रिक्शन क्या है पहले ये समझ लो। फ्रिक्शन इज जस्ट द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द कॉन्टेक्ट फोर्स। जब भी दो बॉडीज का आपस में कॉन्टेक्ट होता है और अगर एक बॉडी दूसरे बॉडी की सरफेस पर स्लाइड करने की कोशिश करती है, उस टाइम पर एक फोर्स एक्ट करती है बिटवीन बिटवीन द टू सरफेसेस हॉरिजॉन्टली, और उसी फोर्स को हम क्या बोलते हैं? फ्रिक्शनल फोर्स। और फ्रिक्शनल फोर्स को ही आज हम डिटेल में पढ़ने जा रहे हैं, क्लियर एकदम। क्या कंसेप्ट एकदम क्लियर है? अच्छा एक बात बताओ, ये तो समझ में आ गया कि फ्रिक्शन मोशन का अपोज नहीं करती, कुछ और ही फंडामेंटल हैं जो हमें पढ़ने होंगे।
अभी तक जो हम पढ़ते आए हैं वो एक एक स्पेशल केस समझ लो, या फिर समझ लो प्रॉपर नॉलेज नहीं थी, एक अधूरा ज्ञान हम पढ़ते हुए आए हैं। मैंने बहुत ही अच्छे अच्छे एग्जाम्पल दे दिए। देख लीजिए, यहाँ पर अगर आप आगे बढ़ पा रहे हो जस्ट बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन, फ्रिक्शन नहीं होती तो आप आगे नहीं चल पाते। क्लियर एकदम? क्या मेरी बात समझ में आ रही है? अब मान के चलिए मैं एक एग्जाम्पल देता हूं आपको, छोटा सा मैं एग्जाम्पल देता हूं आपको। लेट्स से एक ब्लॉक रखा हुआ है यहां पर, लेट्स से एक ब्लॉक रखा हुआ है यहां पर, और मान लो मैंने इस पर एक एक्सटर्नल फोर्स लगानी शुरू करी और ये ब्लॉक मान लो मूव नहीं कर रहा। मान लो मैंने इस पर एक फोर्स लगानी शुरू करी इस तरीके से 5 न्यूटन, और ये ब्लॉक मूव नहीं कर रहा। पहले तो बस ये बता दो ब्लॉक ना मूव करने का मतलब क्या है। नेट फोर्स ऑन द ब्लॉक इज जीरो, नेट फोर्स ऑन द ब्लॉक इज जीरो। क्लियर एकदम? अब मैं तो लगा ही रहा हूं ना यार 5 न्यूटन की फोर्स इधर की तरफ, तो ये इधर की तरफ मूव करना चाहिए था लेकिन नहीं कर रहा। दैट मींस अपोजिट टू माय फोर्स एक और फोर्स इस पर एक्ट कर रही है, तो वो कौन सी फोर्स होगी? फ्रिक्शनल फोर्स। कौन सी फोर्स होगी? फ्रिक्शनल फोर्स। या फिर एक्सपीरियंस क्या होगा यार, मान लो मैं इस पर 5 की जगह 8 न्यूटन लगाऊं, नहीं मूव कर रहा, तो वही फ्रिक्शनल फोर्स अब 5 की जगह कितनी हो गई? 8 न्यूटन अपोजिट टू माय फोर्स। अब 10 न्यूटन लगा रहा हूं, वही फ्रिक्शनल फोर्स अब कितनी हो गई? 10 न्यूटन अपोजिट टू माय फोर्स। मान लो 15 न्यूटन लगा रहा हूं, अब भी मूव नहीं कर रहा, तो वही फ्रिक्शनल फोर्स कितनी हो गई? 15 न्यूटन अपोजिट टू माय फोर्स। और जैसे ही मान लो मैंने 15 से थोड़ी सी भी फोर्स ज्यादा लगा, ये मूव कर गया। दैट मीन्स दो फंडामेंटल हैं। आपने ऑब्जेक्ट पर एक एक्सटर्नल ड्राइविंग फोर्स लगाई, ड्राइविंग फोर्स मतलब जिसकी वजह से वो मूव करने की कोशिश करेगा। ये फोर्स कुछ भी हो सकती है, वेट, टेंशन, नॉर्मल रिएक्शन, योर एक्सटर्नल फोर्स, वो सिचुएशनल डिपेंडेंट है, वो हम बाद में देखेंगे। क्लियर है? जैसे ही आपने ड्राइविंग फोर्स लगाई तो एकदम मूव नहीं करेगा। आपको हर ऑब्जेक्ट को मूव कराने के लिए एक मिनिमम फोर्स की रिक्वायरमेंट होती है, और क्योंकि जब तक वो मिनिमम फोर्स फुलफिल नहीं हो पाती, जब तक एक्सटर्नल फोर्स उस मिनिमम फोर्स तक नहीं लग पाता, ऑब्जेक्ट मूव नहीं करता। दैट मींस फ्रिक्शन दो तरीके की होंगी। देयर आर टू टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन एंड काइनेटिक फ्रिक्शन। समझ लो जरा, क्या स्टैटिक फ्रिक्शन एंड काइनेटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक नाम से ही पता चला, स्टैटिक का फंडा कब आएगा? व्हेन देयर इज नो सेपरेशन, व्हेन देयर इज नो रिलेटिव मोशन बिटवीन द सरफेस एंड द ब्लॉक, व्हेन देयर इज नो रिलेटिव मोशन बिटवीन द सरफेस एंड द ब्लॉक। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? मैंने एक वर्ड यूज कराया, रिलेटिव मोशन, इसको मैं समझाऊंगा डिटेल में। स्टैटिक फ्रिक्शन का कंसेप्ट तब आएगा जब there is no slipping, there is no sliding, there is no relative motion. और kinetic friction का फंडा कब आएगा? जब object surface पर slide कर जाएगा, move कर जाएगा, when there is relative motion between the surface and the block. क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्या concept एकदम clear है? दो तरीके की force, static friction and kinetic friction. अगर आप बहुत ध्यान से देखोगे, स्टैटिक फ्रिक्शन के बारे में हम थोड़ी डिटेल में बात करते हैं। स्टैटिक फ्रिक्शन इज अ वेरिएबल फोर्स, स्टैटिक फ्रिक्शन इज अ सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स। बहुत जबरदस्त चीज है सेल्फ एडजस्टिंग, इसको मैं क्वेश्चन से बहुत जबरदस्त तरीके से प्रूव करूंगा। स्टैटिक फ्रिक्शन इज अ सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स, इट एडजस्ट इट्स वैल्यू, इट्स एडजस्ट इट्स मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। बिल्कुल ठीक बात है यार, मैंने इस ब्लॉक पर 5 न्यूटन की फोर्स लगाई, ये नहीं मूव करा, इसका मतलब क्या है? सरफेस ने इस ब्लॉक पर मेरी फोर्स की डायरेक्शन के अपोजिट डायरेक्शन में 5 न्यूटन की फोर्स लगा रखी होगी। मैंने फोर्स 10 न्यूटन करी तब भी मूव नहीं करा, मतलब उस स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी होगी? 10 न्यूटन। 15 तक वो अपने आप को एडजस्ट कर रही है, और जैसे ही मैंने फोर्स 15 को एक्सीड कर दी, द ऑब्जेक्ट विल मूव, और स्टैटिक फ्रिक्शन का फंडा खत्म, फिर लगेगा फंडा ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। और ध्यान रखना, काइनेटिक फ्रिक्शन इज अ कांस्टेंट फ्रिक्शन। ये सब एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन है जो मैं आपको बता रहा हूं। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? स्टैटिक फ्रिक्शन इज अ सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स, इट एडजस्ट इट्स मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, और ये अपने मैग्नीट्यूड को एडजस्ट करती है अप टू अ सर्टेन लिमिट, अप टू अ मैक्सिमम लिमिट, एंड दैट लिमिट इज नोन एज लिमिटिंग वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। लिमिटिंग वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन,
मान लीजिए इस केस में 15 न्यूटन से जैसे ही आपने फोर्स एक्सीड करी 15.1, ये मूव कर गया, दैट मींस 15 न्यूटन क्या है इसकी लिमिटिंग वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, मतलब 15 न्यूटन तक ये हिलने वाला नहीं है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्या कंसेप्ट एकदम क्लियर है? लिमिटिंग वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन कंसेप्ट एकदम क्लियर है? तो लिमिटिंग वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन ये कोई तीसरे टाइप की फोर्स नहीं है, ये स्टैटिक फ्रिक्शन की ही मैक्सिमम वैल्यू है, लिमिटिंग वैल्यू है। और काइनेटिक फ्रिक्शन कब लगती है? व्हेन देयर इज रिलेटिव मोशन बिटवीन द सरफेस एंड द ब्लॉक ऑब्जेक्ट। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्या कंसेप्ट एकदम क्लियर है? बहुत जबरदस्त है यार, बहुत जबरदस्त चीज बता रहा हूं। स्टैटिक फ्रिक्शन सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स, ये अपने आप मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन को एडजस्ट करती है अप टू अ सर्टेन लिमिट, एंड दैट लिमिट इज नोन एज लिमिटिंग वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। इफ एक्सटर्नल फोर्स एक्सीड दैट वैल्यू देन द ऑब्जेक्ट स्लाइड्स, या फिर देर इज सम रिलेटिव मोशन बिटवीन, देर इज सम रिलेटिव मोशन बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड द सरफेस, इन दैट केस काइनेटिक फ्रिक्शन कम्स इन टू द पिक्चर। काइनेटिक फ्रिक्शन का रोल आ जाता है, विच इज अ कॉन्स्टेंट फोर्स विच अपोजिज द रिलेटिव मोशन। दैट मीन्स फ्रिक्शन नेवर अपोजिज द मोशन, फ्रिक्शन ऑलवेज अपोजिज द रिलेटिव मोशन। सबसे पहली ही चाहत ये होगी स्टैटिक फ्रिक्शन की कि दो सरफेसेस की जुदाई ना हो। मतलब ऐसे समझ लो, स्टैटिक फ्रिक्शन इन दो प्रेमी जोड़ों को सेपरेट नहीं होने देना चाहता, वो चाहता है कि आप एक साथ रहिए, स्टैटिक फ्रिक्शन। लेकिन कहते हैं ना, हर चीज की एक अपनी औकात होती है, तो स्टैटिक फ्रिक्शन की भी अपनी एक लिमिट है, अपनी एक औकात है, और उसी को बोलते हैं लिमिटिंग वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। मतलब कि स्टैटिक फ्रिक्शन इस सरफेस से सिर्फ एक लिमिट तक ही सेपरेट होने से बचा सकता है, एंड दैट लिमिट इज नोन एज लिमिटिंग वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। और अगर आपने ड्राइविंग फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स उस लिमिटिंग वैल्यू से एक्सीड कर दी, उस केस में क्या होगा? ये ऑब्जेक्ट इस सरफेस पर स्लाइड कर जाएगा, मतलब कि ये ऑब्जेक्ट रिलेटिवली इस सरफेस से मूव कर जाएगा। उस टाइम पर अगेन एक और फ्रिक्शन काम करेगी, काइनेटिक फ्रिक्शन। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्लियर है एकदम? क्या कंसेप्ट एकदम क्लियर है? तो दो तरीके की फ्रिक्शन फोर्स आप नोट करिए, स्टैटिक फ्रिक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन, एंड लिमिटिंग वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। यह कंसेप्ट एकदम क्लियर है? इन सभी को आप नोट करिए। अब हम पढ़ेंगे लॉ ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन, मतलब कि मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ऑफ फ्रिक्शन। इसको आप ध्यान से समझिएगा, वो क्या कहता है कि भाई मान लो इसका वेट तो इधर ही लग रहा होगा और नॉर्मल रिएक्शन इधर की तरफ लग रही होगी। जैसे ही आप एक्सटर्नल फोर्स लगाओगे तो फ्रिक्शनल फोर्स अपोजिट टू योर एक्सटर्नल फोर्स एक्ट करने लगेगी। क्लियर है? जैसे जैसे आप फोर्स बढ़ाओगे इसका वैल्यू बढ़ती रहेगी, कब तक? अप टू अ सर्टेन लिमिट, दैट लिमिट इज नोन एज लिमिटिंग वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। और एक्सपेरिमेंटली ये देखा गया, दिस फ्रिक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल रिएक्शन। दिस फ्रिक्शनल फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल रिएक्शन। अगर प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटता है तो सम कॉन्स्टेंट इज देयर, और इस कॉन्स्टेंट को क्या बोलते हैं? कॉफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन न्यू। इस कॉन्स्टेंट को क्या बोलते हैं? कॉफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन न्यू। सो न्यू क्या हो गया यहां से? न्यू क्या हो गया यहां से? बेसिकली एफ अपॉन में एन। तो कोई बताएगा, देखिए जरा, व्हाट इज द डायमेंशन एंड एसआई यूनिट ऑफ न्यू? कुछ नहीं, इसकी भी न्यूटन, इसकी भी न्यूटन। सो इट इज अ डायमेंशन लेस, इट इज अ डायमेंशन लेस एंड यूनिट लेस क्वांटिटी। इस न्यू की वैल्यू किस बात पे डिपेंड करती है? इस न्यू की वैल्यू किस बात पे डिपेंड करती है? नेचर ऑफ द सर्फेसिस, एक सरफेस नहीं दोनों, एंड इट इज इंडिपेंडेंट ऑन द एरिया ऑफ कॉन्टेक्ट। सुन लीजिएगा, न्यू इज इंडिपेंडेंट ऑन द एरिया ऑफ कॉन्टेक्ट, इट ओनली डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ सर्फेसिस। क्लियर एकदम? ये फिक्स नहीं होता है। मान लीजिए अभी न्यू की वैल्यू 0.1 है, लेट से 0.2 है, लेट से मान लीजिए मैंने तेल बिछा दिया, यहां पर तेल बिखेर दिया, आपने सरफेस चेंज कर दी, आपने स्मूथनेस बढ़ा दी, तो न्यू की वैल्यू घट जाएगी। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? जितना ज्यादा न्यू होगा उतना ही ज्यादा, जितना ज्यादा न्यू होगा उतना ही ज्यादा रफर होगा सरफेस, उतनी ही ज्यादा पकड़ होगी, उतनी ही ज्यादा रफनेस होगी, उतनी ही ज्यादा फ्रिक्शन होगी।
क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्लियर एकदम। आप फ्रिक्शन को नेगलेक्ट नहीं कर सकते, आप फ्रिक्शन को नेगलेक्ट नहीं कर सकते, आप इस फ्रिक्शन को जीरो नहीं कर सकते। हाँ, आप फ्रिक्शन को मिनिमाइज कर सकते हो बाय सम कंसेप्ट ऑफ ऑयलिंग, ग्रीसिंग एंड ऑल। क्लियर एकदम, क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो ये एक्सप्रेशन बन गया फ्रिक्शन का, क्योंकि हमने दो तरीके के फ्रिक्शन पढ़े, कौन कौन से? स्टैटिक फ्रिक्शन एंड काइनेटिक फ्रिक्शन। तो इसको भी हम दो तरीके से पढ़ सकते हैं, एफ एस और एफ के। एफ एस क्या होगा भाई? एफ एस क्या होगा भाई? स्टैटिक फ्रिक्शन। एफ के क्या होगा? काइनेटिक फ्रिक्शन। ये एफ एस क्या है? वेरिएबल फ्रिक्शन। और ये क्या है? कॉन्स्टेंट फ्रिक्शनल फोर्स। क्लियर एकदम। तो दो ही तरीके के न्यू पढ़ेंगे हम, दो ही तरीके न्यू पढ़ेंगे हम, न्यू एस और न्यू के। न्यू एस क्या होगा भाई? कॉफिशियंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। और न्यू के क्या होगा? कॉफिशियंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्लियर एकदम। तो देखिए बेसिकली दो तरीके से हम पढ़ सकते हैं इसको, एफ एस बराबर न्यू एस इंटू एन और एफ के बराबर न्यू के इंटू एन। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्या कंसेप्ट एकदम क्लियर है? चलिए ये तो समझ में आ रहा है, इस पर थोड़ा सा हम गौर फरमाते हैं। ध्यान रखना, न्यू एस इंटू एन, न्यू एस इंटू एन इज नोन एज लिमिटिंग वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। इसी को क्या बोलते हैं? लिमिटिंग वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। इसी को क्या बोलते हैं? लिमिटिंग वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। इसी को क्या बोलते हैं हम? लिमिटिंग वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। अब मेरी बात ध्यान से सुनिए, मैं जा पूछने वाला हूं। देखो एफ एस हो गया स्टैटिक फ्रिक्शन, न्यू एस इंटू एन हो गया लिमिटिंग वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। मैं आपसे क्वेश्चनिंग कर रहा हूं कि क्या ये लिखना ठीक रहेगा या ये लिखना ठीक रहेगा? जल्दी सोचिए, दोनों में से कौन सा लिखना ठीक रहेगा? नीचे वाला, ऊपर वाला गलत है। ऊपर वाला ये कह रहा है स्टैटिक फ्रिक्शन इज ऑलवेज इक्वल टू इट्स लिमिटिंग वैल्यू। गलत, गलत। अरे ये तो डिपेंड करेगा कि आप कितनी फोर्स लगा रहे हो। मान लो इसकी लिमिटिंग वैल्यू 15 न्यूटन है, जस्ट एन एग्जांपल, मान लीजिए इसकी लिमिटिंग वैल्यू 15 न्यूटन है और मैंने 5 न्यूटन फोर्स लगाई, तो ऐसा थोड़ी है कि सरफेस इस पर 15 न्यूटन ही लगा देगा एकदम से। अब मैं 5 न्यूटन लगाएगा, जैसे जैसे आप फोर्स बढ़ाओगे, जैसे जैसे आप फोर्स बढ़ाओगे, वैसे वैसे स्टैटिक वैल्यू ऑफ सॉरी वैसे वैसे स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू बढ़ती रहेगी। और जैसे जैसे आप फोर्स बढ़ाओगे वैसे वैसे बढ़ती रहेगी, और कब तक बढ़ेगी? लिमिटिंग वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन तक। तो ये लिखना ठीक है, एफ एस इज लेस देन इक्वल्स टू न्यू एस इनटू एन। एफ एस इज लेस देन इक्वल्स टू न्यू एस इनटू एन, दैट मींस स्टैटिक फ्रिक्शन इज ऑलवेज लेस देन और इक्वल्स टू इट्स लिमिटिंग वैल्यू। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्लियर है। और जैसे ही ड्राइविंग फोर्स, जैसे ही एक्सटर्नल फोर्स न्यू एस इनटू एन को क्रॉस कर गई, उस टाइम पर इसका फंडा खत्म हो गया, क्योंकि सेपरेशन तो हो गया। इसका जो काम था इनको रोके रखना, दो प्रेमी जोड़ों को रोके रखना, वो ये नहीं कर पाया। उस टाइम पर अब रोल में कौन आएगा? काइनेटिक फ्रिक्शन एफ के, विच इज न्यू के इंटू एन, विच इज अ कॉन्स्टेंट वैल्यू। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्लियर एकदम। क्या कंसेप्ट एकदम क्लियर है? अच्छा भाई, एक्सपेरिमेंटली ये देखा गया है, एक्सपेरिमेंटली ये देखा गया है, न्यू एस इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू न्यू के। और ऐसा नहीं बहुत ज्यादा, स्लाइट डिफरेंस। लेट्स से न्यू एस इज 0.2, सो न्यू के इज 0.1 और 0.19, लाइक दिस। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? दिस इज जस्ट एन एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन जो भी मैं आपको बता रहा हूं। और ध्यान रखना, प्रॉब्लम्स में अगर कहीं सिंपली न्यू दे दिया गया है तो हमें क्या समझना होगा? हमें क्या समझना होगा? सारी बेसिक बेसिक बातें कर रहा हूं, हमें क्या समझना होगा कि न्यू एस बराबर न्यू के बराबर न्यू। अगर क्वेश्चन में न्यू एस न्यू के नहीं गिवन है तो सिंपली न्यू गिवन है, तो हम क्या मान के चलेंगे कि न्यू एस बराबर न्यू के बराबर न्यू। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्या कंसेप्ट एकदम क्लियर है? स्टैटिक फ्रिक्शन एकदम क्लियर हो गया, लिमिटिंग वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन और काइनेटिक फ्रिक्शन, तीन चीजें मैंने बोली। स्टैटिक फ्रिक्शन एफ एस, इट्स लिमिटिंग वैल्यू न्यू एस इंटू एन, और काइनेटिक फ्रिक्शन न्यू के इंटू टू एन। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्लियर है। जैसे जैसे हम एक्सटर्नल फोर्स को बढ़ाते रहेंगे, जैसे जैसे हम एक्सटर्नल फोर्स ऑब्जेक्ट पे लगाएंगे, स्टैटिक फ्रिक्शन विल इंक्रीज। और किस डायरेक्शन में? अपोजिट टू योर एक्सटर्नल फोर्स, ताकि ताकि क्या हो, ताकि क्या हो, जो ऑब्जेक्ट है वो सरफेस पर स्लाइड ना करे। क्योंकि स्टैटिक फ्रिक्शन की चाहत ही क्या होती है? स्टैटिक फ्रिक्शन की चाहत क्या होती है? वो दो प्रेमी जोड़ों को सेपरेट नहीं होने देना चाहता, मतलब कि वो नहीं चाहता कि सरफेस से ऑब्जेक्ट जुदा हो जाए। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्लियर एकदम। क्योंकि हर चीज की एक लिमिट होती है, जैसे ही लिमिट क्रॉस हुई उसके बाद ऑब्जेक्ट स्लाइड कर ही जाएगा 100%। उस केस में कौन सा रोल आज किसका रोल आ जाएगा? काइनेटिक फ्रिक्शन का। किसका रोल आ जाएगा? काइनेटिक फ्रिक्शन का, विच इज न्यू के इनटू एन। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्या कंसेप्ट एकदम क्लियर है? अब मान लो मैं आपसे कहूं, बहुत ही सिंपल सा प्रश्न, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन, मान लीजिए मैं आपसे कहूं कि बताओ
लेट से फ्रिक्शनल फोर्स और एक्सटर्नल फोर्स, मैं अगर मैं ग्राफ बनवाऊं तो कैसा ग्राफ बनेगा? देखिए जैसे ही एक्सटर्नल फोर्स जीरो, उस केस में तो कोई फ्रिक्शन नहीं होगी, जैसे जैसे मैं एक्सटर्नल फोर्स बढ़ाऊंगा वैसे वैसे क्या होगा, एफ एस विल इंक्रीज, और किस रेट से, सेम रेट से, मतलब कैसा ग्राफ बनेगा, लीनियर। और कब तक ये काम होता रहेगा, कब तक ये काम होता रहेगा, अप टू अ सर्टेन लिमिट, एंड दैट लिमिट इज नोन एज व्हाट, दैट लिमिट इज नोन एज व्हाट, न्यू एस इनटू एन, इसी को क्या बोलेंगे हम, न्यू एस इनटू एन, व्हिच इज लिमिटिंग वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। और जैसे ही आपने एक्सटर्नल फोर्स, जैसे ही आपने एक्सटर्नल फोर्स इससे एक्सटीड कर दी, उस केस में क्या होगा, काइनेटिक फ्रिक्शन आ जाएगी। और आपको मालूम है न्यू के इज स्लाइटली लेस देन न्यू एस, दैट मींस द वैल्यू ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन इज स्लाइटली लेस देन, द वैल्यू ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन इज स्लाइटली लेस देन द लिमिटिंग वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, दैट मींस ये कुछ स्लाइटली ड्रॉप करेगा एंड द ग्राफ विल बी लाइक दिस। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? दैट मींस यहां से लेके यहां तक का रीजन कौन सा है, स्टैटिक फ्रिक्शन। यहां से लेके यहां तक का रीजन कौन सा है, स्टैटिक फ्रिक्शन। ये टॉप मोस्ट पॉइंट कौन सा है, लिमिटिंग वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। और यहां से लेके यहां तक सारा रीजन किसका है, काइनेटिक फ्रिक्शन का। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्या कंसेप्ट एकदम क्लियर है? बिल्कुल एकदम क्लियर है मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। इन सभी कंसेप्ट को आप नोट करिए, और जो भी मैंने बातें बताई उन सभी को आप नोट करिए, हम आगे बढ़ेंगे। चलिए और बेसिक बेसिक बातें करते हैं। फ्रिक्शन के बारे में हमें थोड़ा सा आइडिया लग गया, दो तरीके की फ्रिक्शन होती है, स्टैटिक काइनेटिक, और एक लिमिटिंग वैल्यू होती है उसकी। क्लियर एकदम। अब हम थोड़ा सा डायरेक्शन के बारे में देखते हैं। ये बात तो हमने क्लियर कर ली कि फ्रिक्शन फोर्स नेवर अपोजेस द मोशन, इट ऑलवेज अपोजेस द रिलेटिव मोशन। ये बात आप अपने दिमाग में बिठा लेना। और इसी पॉइंट से हम निकालते हैं व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन। देखिए दो तरीके की फ्रिक्शन है, तो हम दो तरीके की फ्रिक्शन की डायरेक्शन निकालना सीखेंगे कि काइनेटिक फ्रिक्शन की डायरेक्शन कैसे निकालते हैं और स्टैटिक फ्रिक्शन की। स्टैटिक फ्रिक्शन की डायरेक्शन हम सिचुएशनली निकालेंगे, ऐसा कोई कोर कंसेप्ट नहीं है ऐसा है, क्योंकि इसमें बहुत दिमाग लगाना पड़ता है। काइनेटिक फ्रिक्शन की डायरेक्शन सिंपल एक बेसिक तरीके से निकल जाती है। किस तरीके से, मान लीजिए एक सरफेस है इस तरीके से, लेट से सरफेस है, इस पर एक ब्लॉक रखा हुआ है, क्लियर एकदम, और ये ब्लॉक इधर की तरफ मूव कर रहा है, एंड दिस इज अ रफ सरफेस, न्यू गिवन है, लेट्स इधर की तरफ मूव कर रहा है 2 मीटर पर सेकंड से, क्लियर एकदम। अब हमें काइनेटिक फ्रिक्शन की डायरेक्शन निकालनी है, तो बस ये सोचो कि मुझे किस पर निकालनी है फ्रिक्शन की डायरेक्शन, इस ब्लॉक पर। तो ये ब्लॉक क्या रिलेटिव मोशन में है, किसके, जिससे ये डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में है। डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में किससे है, ये ग्राउंड से। तो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में क्या ये रिलेटिवली मूव कर रहा है कि नहीं, यस ये कर रहा है ग्राउंड के रेस्पेक्ट में। मतलब कि मान लो मैं यहां पे खड़ा हुआ हूं, सो विद रेस्पेक्ट ऑफ ग्राउंड मुझे क्या लगेगा, ये ऑब्जेक्ट किधर जाता हुआ मूव करेगा, इधर की तरफ। तो ग्राउंड इस पर किधर की तरफ फोर्स लगाएगा, इधर की तरफ। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? सो व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स एक्टिंग बाय द ग्राउंड ऑन दिस ब्लॉक, अपोजिट टू द वेलोसिटी। और इसी को ध्यान में रखते हुए ये मिथ बन जाता है कि फ्रिक्शन अपोजिस द मोशन। गलत है, फ्रिक्शन नेवर अपोजिस द मोशन। फॉर एग्जाम्पल, एक और एग्जाम्पल मैं देता हूं, मान लीजिए दो ब्लॉक ले लेते हैं इस बार, लाइक दिस, क्लियर है, ब्लॉक ए ब्लॉक बी। ब्लॉक बी 3 मीटर पर सेकंड से मूव कर रहा है ए ब्लॉक के ऊपर, और ब्लॉक ए 5 मीटर पर सेकंड से मूव कर रहा है, एंड लेट्स से दिस सरफेस इज फ्रिक्शन, दिस सरफेस इज रफ, क्लियर एकदम। सो मेरा क्वेश्चन ये है, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन फोर्स exerted by A on B, B पर फ्रिक्शन की डायरेक्शन। देखो B किसके कॉन्टेक्ट में, डायरेक्टली A के कॉन्टेक्ट में, ग्राउंड तो लगाएगा नहीं, ग्राउंड अगर लगाएगा वो तो A पे लगाएगा, क्लियर एकदम, ग्राउंड अगर लगाएगा वो A पे लगाएगा, और B पे कौन लगाएगा, सिर्फ A। अब B तो ऐसे मूव कर रहा है, जिसको ये नॉलेज होगी कि भाई फ्रिक्शन ऑलवेज अपोजेस द मोशन, तो वो डायरेक्ट बोल देगा कि सर A B पर फोर्स इधर लगाएगा। गलत है। अबे रिलेटिव मोशन का अपोज करता है फ्रिक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन रिलेटिव मोशन का अपोज करती है, मोशन का अपोज नहीं करती। मान लो मैं यहां पे खड़ा हुआ हूं, क्लियर एकदम, तो मुझे क्या लगेगा कि बी किधर जाता हुआ मूव कर रहा है, तब मैं बताऊंगा। दैट मींस सबसे पहले मैं क्या निकालूं, व्हाट इज द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बी विद रेस्पेक्ट ऑफ ए, ए के रेस्पेक्ट में रिलेटिव मोशन।
तो वो क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ बी माइनस वेलोसिटी ऑफ ए वो क्या होगा 3 - 5 विच इज -2 m/s। ये माइनस साइन क्या बता रहा है कि अगर ए पे खड़े होके बी को देखोगे तो बी 2 m/s से इधर की तरफ जाता हुआ नजर आएगा। बी जो है 2 m/s से इधर की तरफ जाता हुआ नजर आएगा। दैट मीन्स ए बी पर फ्रिक्शनल फोर्स इधर लगाएगा और एक्शन रिएक्शन बी ए पर फ्रिक्शनल फोर्स इधर लगाएगा। तो इन दिस केस फ्रिक्शन सपोर्ट्स द मोशन ऑफ बी। क्या मेरी बात समझ में आई? काइनेटिक फ्रिक्शन की चाहत यही होती है कि वो दो ऑब्जेक्ट के बीच में जो रिलेटिव मोशन हो रहा है उसको रोक दे। तो जब वो रिलेटिव मोशन को रोक रही है दो ऑब्जेक्ट के बीच में तो वो कैसे रोकेगी? इसको सपोर्ट करेगी, इसको अपोज करेगी। मतलब इसकी स्पीड थोड़ी थोड़ी बढ़ेगी, इसकी स्पीड घटेगी। एक टाइम ऐसा आएगा जब दोनों की स्पीड सेम हो जाएगी। इन दैट केस देयर इज नो रिलेटिव मोशन। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो फ्रिक्शन फोर्स की चाहत को समझो यार, फ्रिक्शन फोर्स की चाहत को आप समझो। क्या मेरी बात समझ में आ रही? एक और फंडामेंटल देख लेते हैं, एक और क्वेश्चन देखेंगे। लेट्स से एक ब्लॉक है ए, एक ब्लॉक है बी, एक ब्लॉक है सी, और इस तरीके से सिचुएशन। ए की स्पीड 10 m/s, बी की स्पीड 5 m/s, सी की स्पीड 4 m/s। व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स एक्टिंग ऑन सी, एक्टिंग ऑन बी, एक्टिंग ऑन ए? सबसे पहले मैं लगाता हूं व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स ऑन सी। सी पर इसको सेपरेट कर लेते हैं। लेट्स से दिस इज सी, क्लियर एकदम। सी पर जब मैं फ्रिक्शनल फोर्स लगाऊंगा तो पहली बात तो सी पर कौन लगाएगा? बी लगाएगा। अबे सी बी के ही डायरेक्टली कॉन्टेक्ट में है तो सी पर कौन लगाएगा? बी। तो मुझे कहां खड़ा होना पड़ेगा? बी पर। इसका क्या मतलब है? मैं क्या निकालू? रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ रिलेटिव मोशन ऑफ सी विद रिस्पेक्ट ऑफ बी, क्योंकि बी तो लगाएगा ना यार। तो फाइंड द रिलेटिव मोशन ऑफ सी विद रिस्पेक्ट ऑफ बी। दैट मींस वेलोसिटी ऑफ सी विद रिस्पेक्ट ऑफ बी वो क्या होगा? vc - vb। वीसी कितना है भाई, जल्दी बोलो। वीसी कितना है? 4। माइनस वीबी कितना है? -5। तो कितना हो गया ये? 9 m/s। प्लस साइन बता रहा है बी पर बैठ के सी को देखोगे तो उधर जाता हुआ नजर आएगा। दैट मींस बी सी पर फ्रिक्शनल फोर्स इधर लगाएगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्या कंसेप्ट एकदम क्लियर है? एक्शन रिएक्शन क्या कहता है? जितनी फोर्स बी ने सी पर लगाई उतनी फोर्स सी भी बी पर लगाएगा अपोजिट डायरेक्शन में। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्लियर। अब बी पर नेट फ्रिक्शनल फोर्स देखनी है। देखिए सी किधर लगा रहा होगा वो तो हमें पता चलेगा एक्शन रिएक्शन से। अब ए किधर लगा रहा होगा, ए किधर लगा रहा होगा वो भी हमें पता चल जाएगा। हमें कहां खड़ा होना पड़ेगा? अब ए पर। हमें कहां खड़ा होना पड़ेगा? ए पर। ए पर खड़े होने का क्या मतलब है? ए पर खड़े होने का क्या मतलब है? ए पर खड़े होने का क्या मतलब है, जल्दी बोलो। मुझे क्या निकालना होगा? मुझे क्या निकालना होगा? वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट ऑफ ए वो क्या होगा? वी बी माइनस वी ए। वी बी कितना है? वी बी कितना है? -5। वी ए कितना है? 10। तो आ गया -15। माइनस का मतलब क्या है कि ए पे खड़े होके बी को देखोगे तो इधर जाता हुआ नजर आएगा। तो ए बी पर फ्रिक्शनल फोर्स इधर लगाएगा और बी ए पर एक्शन रिएक्शन इधर लगाएगा। सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन। इस तरीके से हम निकालते हैं डायरेक्शन ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्या कंसेप्ट आपको क्लियर हो रहा है? सो इस तरीके से हम निकालते हैं डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स, काइनेटिक फ्रिक्शन, व्हेन देयर इज सम रिलेटिव मोशन। और स्टैटिक फ्रिक्शन की डायरेक्शन निकालना इजी है, लेकिन जैसे जैसे हम प्रॉब्लम पर आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे हम सीखेंगे। ध्यान रखना फ्रिक्शनल फोर्स अपोजिस द रिलेटिव वेलोसिटी, नॉट द रिलेटिव एक्सेलरेशन। ऐसा नहीं है कि एक्सेलरेशन दे रखा हो तो रिलेटिव एक्सेलरेशन निकाल करके फिर डायरेक्शन निकाल दोगे। नहीं, गलत है। ध्यान रखना कंसेप्ट को। फ्रिक्शनल फोर्स ऑलवेज अपोजिस द रिलेटिव वेलोसिटी, रिलेटिव मोशन। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? इसको नोट कर लेना, स्टार मार्क कर लेना है इसको, क्लियर एकदम। स्टैटिक फ्रिक्शन, मान लीजिए इस तरीके की एक सिचुएशन है, लेट्स से लाइक दिस, एक ब्लॉक, लेट्स से ब्लॉक ए, एक ब्लॉक बी, क्लियर एकदम। और ये सरफेस इज रफ। मान लो मैं इस पर इधर की तरफ एक फोर्स लगाऊं, एक्सटर्नल फोर्स, इधर की तरफ एक्सटर्नल फोर्स लगाऊं। अब देखो कैसे सोचते हैं।
बहुत तरीके हैं। मान लो ऐसे सोच लो कि देर इज नो फ्रिक्शन, देर इज नो फ्रिक्शन, तो जैसे ही आप बी पर फोर्स लगाओगे इधर की तरफ, तो बी की टेंडेंसी क्या होगी, इधर मूव करने की, बी की टेंडेंसी क्या होगी, इधर मूव करने की, लेकिन फ्रिक्शन तो है, फ्रिक्शन तो है। तो ए बी पर किधर की तरफ फोर्स लगा रहा होगा, इधर, जुदा नहीं होने देना चाहता है, जुदा नहीं होने देना चाहता है, और बी ए पर फ्रिक्शनल फोर्स किधर लगाएगा, इधर। क्या मेरी बात समझ में आ रही? दैट मीन्स B पर स्टैटिक फ्रिक्शन किधर लगेगा, B पर स्टैटिक फ्रिक्शन किधर लगेगा, बाया A इधर की तरफ, और A पर एक्शन रिएक्शन, A पर फ्रिक्शन फोर्स किधर लगेगा, बाया B इधर की तरफ। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? और जो स्टैटिक फ्रिक्शन, जैसे जैसे हम प्रॉब्लम करेंगे वैसे वैसे आप सीखते जाओगे, बहुत जबरदस्त चीजें मिलेंगी आपको स्टैटिक फ्रिक्शन में। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्या आपको काइनेटिक फ्रिक्शन की डायरेक्शन निकालना आ गया? क्या आपने सीख लिया है काइनेटिक फ्रिक्शन नेवर अपोजेस द मोशन? क्या आपने सीख लिया है इट अपोजेस द रिलेटिव मोशन, मतलब रिलेटिव वेलोसिटी निकाल के ही होगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्या कंसेप्ट एकदम क्लियर है? एकदम कंसेप्ट क्लियर है। अब स्टैटिक फ्रिक्शन कहाँ कहाँ लगती है? लाइक हम वॉक करते हैं तो स्टैटिक फ्रिक्शन। अब कोई सोचेगा सर वॉक कर रहे हैं तो मोशन में है। अबे नहीं, सारा खेल है स्लिप करने का। क्या हम स्लिप कर रहे हैं? वॉक करते, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन वॉकिंग एंड स्लिपिंग। स्लिपिंग में तो आप गिर जाओगे, स्लिप मतलब कि आपका पैर रिलेटिवली सरफेस से इधर की तरफ ऐसे मूव कर रहा है, ऐसे नहीं करते आप, अच्छे से पैर जमा जमा के आगे जा रहे हो जस्ट बिकॉज ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। गाड़ी आगे चल रही है तो जो पहिए का जो कॉन्टैक्ट होता है ग्राउंड से, उसमें कौन सा फ्रिक्शन एक्ट कर रहा होता है, उसमें कौन सा फ्रिक्शन एक्ट कर रहा होता है, स्टैटिक फ्रिक्शन। काइनेटिक फ्रिक्शन कब लगता है? काइनेटिक फ्रिक्शन कब लगता है? जब आप अचानक से ब्रेक लगा देते हो, अचानक से ब्रेक लगा देते हो, टायर जाम हो जाते हैं, लेकिन वो सरफेस पर स्लिप करते हैं, उस केस में अपोजिट टू स्लिपिंग एक फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट करती है, उसको बोलते हैं काइनेटिक। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? सो बेसिकली काइनेटिक फ्रिक्शन तब ही लगेगा जब देर इज सम रिलेटिव मोशन बिटवीन टू सरफेसेस, स्लिपिंग एंड ऑल। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्या कंसेप्ट एकदम क्लियर है? इन डायरेक्शन को आप नोट करिए, हम आगे बढ़ेंगे। चलिए कुछ प्रॉब्लम अब हम यहां देखते हैं। मान लीजिए एक 10 kg का ब्लॉक है, 10 kg का ब्लॉक है, न्यू एस न्यू के गिवन है। न्यू एस इज द कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन बिटवीन द ग्राउंड एंड दिस, बिटवीन द ग्राउंड एंड दिस ब्लॉक, एंड न्यू के इज 0.1 व्हिच इज द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द ग्राउंड एंड दिस ऑब्जेक्ट। और उस पर एक एक्सटर्नल ड्राइविंग फोर्स लगा रहे हैं हम 10 N की। इसमें निकालना है, इवन सभी प्रॉब्लम में निकालना है, व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक्स एंड द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। क्लियर एकदम? चलिए कैसे अप्रोच करते हैं मैं आपको बता देता हूँ। एक प्रॉब्लम मैं करता हूँ, फिर स्क्रीन को पॉज करके आप सारी प्रॉब्लम को आप ट्राई कीजिएगा। भाई सबसे पहले तो आप जितनी भी फोर्सेस बन रही है उसको दिखाइए। इसका वेट नीचे लग रहा होगा 10 g mg, विच इज 100 N, और नॉर्मल रिएक्शन ऊपर लग रही होगी, क्योंकि y डायरेक्शन में ये मूव नहीं करेगा, ये बात फिक्स है, ये बात तय है। दैट मींस y डायरेक्शन में नेट फोर्स कितनी होगी, 0। इसका मतलब है n-100 बराबर 0, और यू कैन से दैट n विल बैलेंस आउट बाय 100, और 100 इज बैलेंस आउट बाय n। तो नॉर्मल रिएक्शन कितनी हो गई, 100 N। क्लियर है? अब सबसे पहला काम ये होता है आप न्यू एस इंटू एन निकालो, लिमिटिंग वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन निकालो। तो न्यू एस इंटू एन क्या होगा, 0.2 × 100, और ये आ जाएगा 20 N। इसका मतलब समझो कि 20 N तक तो ये संभाल लेगा, मतलब कि अगर ड्राइविंग फोर्स एक्सटर्नल फोर्स 20 N तक लग रही है तो ये स्लाइड नहीं करेगा, ये मूव नहीं करेगा, स्टैटिक फ्रिक्शन इनको बनाए रखेगा पकड़। क्लियर है एकदम? क्या मेरी बात समझ में आ रही? अब देखो आप फोर्स कितनी लगा रहे हो, 10 N की। आप फोर्स कितनी लगा रहे हो, 10 N, तो क्या कभी ये मूव करेगा ना, ये मूव नहीं करेगा। तो एक्सेलरेशन कितना होगा इस केस में, इसका एक्सेलरेशन कितना होगा, 0, क्योंकि नेट फोर्स कितनी होगी, 0। नेट फोर्स 0 होगी तो स्टैटिक फ्रिक्शन कितनी लगेगी, 20 N। नहीं, ये 20 N क्या है समझ लो, 20 N तो लिमिटिंग वैल्यू है, मतलब कि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन है, लेकिन आप लगाई कितनी रहे हो, 10 N। तो ग्राउंड इस पर अपोजिट डायरेक्शन में 10 N की फोर्स लगा देगा और नेट फोर्स कितनी हो जाएगी, 0, और ये मूव नहीं करेगा। अब देखो 11 N लगाऊंगा तो ये 11 हो जाएगा, 12 तो ये 12, 13 पे 13, 15 18, 19 पे 19, 20 पे 20, और जैसे ही आपने एक्सटर्नल फोर्स 20 से एक्सीड कर दी, उस केस में स्टैटिक फ्रिक्शन का रोल खत्म,
फिर किसका रोल आएगा? काइनेटिक फ्रिक्शन का। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्या कंसेप्ट एकदम क्लियर है? यहाँ पर चलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम। इसमें क्या है, वही 10 केजी का ब्लॉक न्यूएस न्यू के गिवन है। इस बार फोर्स किसी एंगल पर लगा दी, 50 न्यूटन की फोर्स है, हॉरिजॉन्टल से 37 डिग्री के एंगल पर है। तो सिंपल है यार, फोर्सेस बनाओ, कहीं कुछ रिजोल्व होता है तो उसको रिजोल्व करो। चलिए, इसका वेट लग रहा होगा नीचे 100 न्यूटन 10 जी और नॉर्मल रिएक्शन ऊपर। इसको आप रिजोल्व करोगे तो ये कंपोनेंट क्या आएगा, 50 cos 37 मतलब 50 × 4/5 दैट मींस 40 न्यूटन डायरेक्ट लिख रहा हूं। और ये कौन सा कंपोनेंट होगा, परपेंडिकुलर कंपोनेंट विच इज 50 × sin 37 दैट मींस 50 × 3/5 विच इज 30 न्यूटन। अब देखो, सबसे पहला काम नॉर्मल रिएक्शन निकालने का होता है, क्योंकि नॉर्मल रिएक्शन निकालोगे तभी तो फ्रिक्शनल फोर्स आएगा। अब देखो, वाई डायरेक्शन में कभी भी मूव नहीं कर सकता, ये बात तय है। दैट मींस अगेन नेट फोर्स अलोंग वाई एक्सिस कितनी होगी, 0। इसका मतलब है एन प्लस 30 विल बी इक्वल्स टू 100, या फिर एन प्लस 30 माइनस 100 बराबर 0। एक डायरेक्शन पॉजिटिव तो एक डायरेक्शन नेगेटिव, दैट मींस मैं डायरेक्टली लिख सकता हूं n प्लस 30 विल बी इक्वल टू व्हाट, 100, दैट मींस n की वैल्यू कितनी आ गई, 70 न्यूटन्स। क्लियर एकदम। अब क्या निकालोगे लिमिटिंग वैल्यू, और इसकी ड्राइविंग फोर्स कितनी है भाई, 40 न्यूटन, क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मूव कर सकता है, और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में नेट ड्राइविंग फोर्स कितनी है, 40 न्यूटन। क्लियर एकदम। अब आप न्यूएस इनटू एन निकालो, लिमिटिंग वैल्यू निकालो, लिमिटिंग वैल्यू कितनी होगी भाई, लिमिटिंग वैल्यू कितनी होगी, 0.2 × 70, तो कितना आ गया ये, 14 न्यूटन। मतलब अब ये 14 न्यूटन तक ही इसको संभाल सकता है, लेकिन आप फोर्स कितने लगा रहे हो, 40 न्यूटन, तो क्या ये मूव करेगा, यस इट विल मूव। और जैसे ही ये रिलेटिवली आगे बढ़ेगा तो इसका रोल खत्म। अब किसका रोल आएगा, काइनेटिक फ्रिक्शन का, विच इज अ कांस्टेंट। और काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू क्या होगी, न्यू के इनटू एन, दैट मींस 0.1 × 17, दैट मींस कितना आएगा, 7 न्यूटन। कितना आ गया, 7 न्यूटन। मतलब ग्राउंड इस ऑब्जेक्ट पर किधर की तरफ फोर्स लगा रही होगी, 7 न्यूटन, इधर की तरफ। क्यों, क्योंकि रिलेटिवली ये ऑब्जेक्ट इधर की तरफ मूव करेगा, तो along the horizontal axis, along the horizontal axis net force कितनी हो गई, along the horizontal axis net force कितनी हो गई, horizontal axis के along, x axis के along net force कितनी हो गई, net force जल्दी बोलिए, net force कितनी हो गई, 40 − 7 कितनी हो गई, 40 − 7 which is 33 न्यूटन। तो acceleration क्या होगा, F external, net external force upon में mass which is 33 upon में 10 which is 3.3 meter per second square। क्या मेरी बात समझ में आ रही है, क्या concept एकदम clear है, clear एकदम concept। इस problem पर चलते हैं। इस बार दो forces लगा दी, कोई बात नहीं, सारी forces बनाओ, कहीं resolve होता है तो उसको resolve कर लो। चलो भैया, ये अगेन 50 न्यूटन की फोर्स 37 डिग्री पर, तो ये कितना होगा, अभी भी किया है, ये कितना होगा, 40 न्यूटन, ये कितना होगा, 30 न्यूटन। क्लियर एकदम। देखो इस फोर्स की डायरेक्शन देख लो, 20√2 या 45, तो ये कितना होगा, 20√2 cos 45 मतलब कि 20, और ये कितना होगा, 20√2 sin 45 मतलब कि 20। इसका वेट 100 न्यूटन नीचे लग रहा होगा, और इस पर नॉर्मल रिएक्शन ऊपर लग रही होगी, क्योंकि वाई डायरेक्शन में तो ये मूव नहीं कर सकता, ये बात कंस्टेंट है, ये फिक्स है। दैट मींस नेट फोर्स अलोंग वाई एक्सिस अभी भी 0 होगा। ऐसा करने के लिए क्या होगा, देखो नॉर्मल रिएक्शन ऊपर लग रही है, नॉर्मल रिएक्शन ऊपर लग रही है, 20 न्यूटन फोर्स नीचे लग रही है, वेट नीचे लग रहा है, और 30 न्यूटन ऊपर लग रहा है, तो इक्वेशन क्या बन जाएगी, एन प्लस 30 ऊपर की तरफ नेट फोर्स will be equals to 100 plus 20 नीचे की तरफ net force, that means n इस बार कितना आ गया, n कितना आ गया, 90 न्यूटन, n कितना आ गया, 90 न्यूटन। और net driving force देखो, net driving force along horizontal axis देखो, net driving force कितनी है, 40 न्यूटन इधर और 20 न्यूटन इधर, तो net driving force along this direction कितनी हो गई, F net along this direction कितना हो गया, 40 plus 20 which is 60 न्यूटन। अब सबसे पहला काम क्या होगा, ये देखना कि क्या ये फोर्स, नेट ड्राइविंग फोर्स अलोंग हॉरिजॉन्टल एक्सिस लिमिटिंग वैल्यू से कम है या ज्यादा है। कम है तो मूव नहीं करेगा, तो सबसे ही पहला काम तो भाई न्यूएस इनटू एन निकालने का होता है। न्यूएस इनटू एन क्या आएगा, न्यूएस इनटू एन क्या आएगा, 0.2 × 90, तो कितना आ जाएगा ये, 0.2 × 90 कितना आ जाएगा, 18 न्यूटन।
खाली 18 न्यूटन, मतलब ये 18 न्यूटन तक इसको संभाल पाता, लेकिन नेट एक्सटर्नल फोर्स कितनी है यार, 60 न्यूटन। नेट एक्सटर्नल फोर्स कितनी है, 60 न्यूटन, मतलब ये रिलेटिवली मूव कर जाएगा। अगर ये रिलेटिवली मूव कर जाएगा इधर की तरफ तो अब किसका कंसेप्ट आएगा, काइनेटिक फ्रिक्शन का। और काइनेटिक फ्रिक्शन क्या होता है, एफ के न्यू के इंटू एन, विच इज 0.1 × 90, तो कितना आ जाएगा ये 9 न्यूटन, मतलब कि पीछे की तरफ अब 9 न्यूटन लग रहा होगा। अब नेट एक्सटर्नल फोर्स, अब देखिए ये तो ड्राइविंग फोर्स है, क्लियर है ना, लेकिन नेट फोर्स कितनी हो गई, नेट एक्सटर्नल फोर्स कितनी हो गई, नेट एक्सटर्नल फोर्स कितनी हो गई, 60 नेट ड्राइविंग फोर्स माइनस दिस फ्रिक्शनल फोर्स कितना हो गया, 51 न्यूटन। तो एक्सेलरेशन कितना होगा, एफ नेट अपॉन में एम, तो कितना आएगा, 51/10, विच इज 5.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्या मेरी बात समझ में आ रही है, क्या प्रॉब्लम्स आपको समझ में आ रही है, किस तरीके से टैकल करना है आपको, क्लियर एकदम, इन कंसेप्ट को, इन प्रॉब्लम्स को आप नोट करिए, और प्रॉब्लम देखेंगे हम। चलिए और कंसेप्ट की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। अब एक कंसेप्ट होता है एंगल ऑफ फ्रिक्शन का, वो क्या है समझ लीजिए, बेसिक सा कंसेप्ट है लेकिन इंपॉर्टेंट है काफी। लेट्स से एक सरफेस है, उस पर एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, एंड द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज न्यू, दैट मींस न्यू बराबर न्यू एस इनटू न्यू के, क्लियर एकदम। एंड ब्लॉक का मास है लेट्स से एम, क्लियर एकदम। चलिए इसका वेट कितना लग रहा होगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में एम जी, नॉर्मल रिएक्शन ऊपर की तरफ, क्लियर एकदम, नॉर्मल रिएक्शन ऊपर की तरफ लाइक दिस। नाउ अब मान लो मैं कहूं आपसे कि मैं इस ऑब्जेक्ट पर इधर की तरफ एक एक्सटर्नल फोर्स लगा रहा हूं, क्लियर एकदम। तो जैसे जैसे मैं फोर्स लगाऊंगा स्टैटिक फ्रिक्शन बढ़ेगा, कब तक बढ़ेगा, अपनी लिमिटिंग वैल्यू तक। मान लो मैं कहूं कि मैंने फोर्स लगाते 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 इतनी कर दी कि ये जस्ट टेंड्स टू स्लाइड है, स्लाइड नहीं करा, मान लो ये उतनी फोर्स है कि इसके बाद अगर मैं हल्की सी भी फोर्स बढ़ा दी तो ये मूव कर जाएगा। दैट मींस इस फोर्स को अभी फिलहाल किसने बैलेंस कर रखा होगा, लिमिटिंग वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, वो कहां लग रही होगी, अपोजिट टू योर फोर्स। क्या मेरी बात समझ में आ रही है, और लिमिटिंग वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन बराबर न्यू इंटू एन, वो किसके बराबर होगा, न्यू इंटू एन, क्लियर एकदम। चलो अब इसका फ्री बॉडी डायग्राम देखते हैं बेसिकली, और उसमें मैं खाली नॉर्मल एक्शन और लिमिटिंग वैल्यू को दिखाऊंगा। तो देखिए नॉर्मल एक्शन इधर होगा और लिमिटिंग वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इधर की तरफ होगा, क्या मेरी बात समझ में आ रही है। अब ध्यान रखना इन दोनों का ही रिजल्टेंट क्या होता है, कॉन्टेक्ट फोर्स, जिसके बारे में हमने बात करी थी, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इज फ्रिक्शन, कॉन्टेक्ट फोर्स का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इज फ्रिक्शन एंड परपेंडिकुलर कंपोनेंट इज नॉर्मल रिएक्शन, क्या मेरी बात समझ में आ रही है, क्या एकदम कंसेप्ट क्लियर है। सबसे पहले मैंने वेट बनाया, फिर उसको बैलेंस करता हुआ नॉर्मल रिएक्शन, अब मैंने एक्सटर्नल फोर्स लगाई, जैसी एक्सटर्नल फोर्स लगाई स्टैटिक फ्रिक्शन ने अपना काम करना शुरू किया। अब मैं कह रहा हूं कि ये फोर्स उतनी है कि अगर इसके बाद हल्की सी भी बढ़ा दी मैंने फोर्स तो ये स्लाइड कर जाएगा सरफेस पे। इसका क्या मतलब है, इसका क्या मतलब है कि लिमिटिंग वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन आ चुकी है, स्टैटिक फ्रिक्शन की लिमिटिंग वैल्यू आ चुकी है और उसने जस्ट बैलेंस कर रखा है, हल्की सी भी एक्सटर्नल फोर्स बढ़ाई तो ये स्लाइड कर जाएगा। और मैंने क्या बताया अब आपको एक कंसेप्ट कि भाई इन दोनों का रिजल्टेंट ही क्या कहलाता है, इन दोनों का रिजल्टेंट ही क्या कहलाता है, कॉन्टेक्ट फोर्स। तो बेसिकली ये क्या हो गई रिजल्टेंट ऑफ लिमिटिंग वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन एंड नॉर्मल रिएक्शन, और उसी को क्या बोलते हैं, कॉन्टेक्ट फोर्स। अब ये कॉन्टेक्ट फोर्स नॉर्मल रिएक्शन से जितना एंगल सस्पेंड करती है उसी को बोलते हैं भाई एंगल ऑफ फ्रिक्शन। क्या कंसेप्ट एकदम क्लियर है, क्या बताया मैंने एंगल ऑफ फ्रिक्शन में कि रिजल्टेंट ऑफ नॉर्मल रिएक्शन एंड लिमिटिंग वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन विच इज नोन एज कॉन्टेक्ट फोर्स, नॉर्मल रिएक्शन से जितना एंगल सस्पेंड करती है उसी को क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ फ्रिक्शन। और ये एंगल ऑफ फ्रिक्शन निकालना कोई बड़ी बात नहीं है, अगर आप इस ट्रायंगल में गौर फरमाओगे तो यहां से टेन थीटा क्या आ जाएगा, यहां से सिंपली टेन थीटा क्या आ जाएगा, जल्दी देखिए टेन थीटा इस ट्रायंगल में से देखिए, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर क्या है, एफ लिमिटिंग अपॉन में नॉर्मल रिएक्शन, मतलब कि न्यू बाय न्यू एन अपॉन में एन, दैट मींस न्यू। सो क्या आ गया, टेन थीटा बराबर न्यू, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, और थीटा बराबर टेन इनवर्स न्यू। सो दिस इज द एंगल ऑफ फ्रिक्शन,
इसी को क्या बोलते हैं हम, एंगल ऑफ फ्रिक्शन। बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, अभी धीरे धीरे आपको पता चल जाएगा। अच्छा एक बात बता, मान लो मैं एक छोटा सा क्वेश्चन आपसे करूं, एक छोटा सा मैं क्वेश्चन आपसे करूं कि मान लीजिए एक ब्लॉक है, एक ब्लॉक है, उसका मास मैं ले लेता हूं लेट्स से 10 kg, एंड कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन वही ले लेते हैं, न्यू एस इज 0.2 एंड न्यू के इज 0.1। क्लियर है? व्हाट इज द मिनिमम फोर्स रिक्वायर्ड, व्हाट इज द मिनिमम फोर्स रिक्वायर्ड टू मूव दिस ब्लॉक? तो क्या आपका आंसर ये होगा कि सर 100 newton नीचे, नॉर्मल रिएक्शन ऊपर, और न्यू एस इंटू एन इसके लिए हो गया 0.2 × 100 विच इज 0.2 × 100, वो कितना होगा 20 newton, मतलब कि मिनिमम फोर्स कितनी हो गई 20 newton। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो आप बिल्कुल गलत सोच रहे हैं। फोर्स है भाई, ये मैंने कब कहा कि आपको हॉरिजॉन्टली लगानी है फोर्स? अगर आप बहुत ध्यान से देखोगे, क्या आप इसको कम नहीं कर सकते? कर सकते हो। कैसे? अरे नॉर्मल रिएक्शन को कैसे ही कम कर दो, न्यूएस तो कम नहीं होने वाला ना, क्योंकि वो तो मेटीरियल पर डिपेंड कर रहा है, नेचर ऑफ द सरफेस पर डिपेंड कर रहा है, न्यूएस तो फिक्स है ना। तो मैं कह रहा हूं कि क्या आप लिमिटिंग वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन को कम कर सकते हो? अरे हाँ कर सकता हूं, अभी तो देखे मैंने प्रॉब्लम, एंगल पे फोर्स लगा दो, एंगल पे फोर्स लगा दो। दैट मीन्स अगर क्वेश्चन आ जाए कि व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ फोर्स एंड इट विच डायरेक्शन वी नीड टू अप्लाई दैट फोर्स, उसका कंसेप्ट हमें जानना होगा, वो बिल्कुल अलग कंसेप्ट है, वो ही अब हम जानते हैं। लेट्स ये बात तो आपको समझ में आ गई ना कि ये जो आप सोच रहे हो बिल्कुल गलत सोच रहे हो, कि ऐसे बना यार नॉर्मल रिएक्शन इधर बना दी, 100 newton इधर बना दिया, लिमिटिंग वैल्यू निकाल दी और वही आंसर बोल दिया। मैंने कब कहा आपको हॉरिजॉन्टली लगानी है? क्या आप इतना नहीं सोच पाते कि न्यू एस इनटू एन को मैं चेंज कर सकता हूं? कर सकता हूं, फोर्स को अलग लगा दो, एन चेंज हो जाएगा, एन चेंज हो जाएगा लिमिटिंग वैल्यू चेंज हो जाएगी। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्लियर रहेगा? अच्छा भाई, अब उसी को हम जानते हैं कि टॉपिक क्या है हमारा, टॉपिक क्या है अब कि मिनिमम फोर्स एंड इन विच डायरेक्शन वी नीड टू अप्लाई सच दैट कि ऑब्जेक्ट विल टेंड्स टू स्लाइड, ऑब्जेक्ट स्लाइड कर जाए, मिनिमम वो मिनिमम फोर्स बतानी। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्लियर एकदम? तो बिल्कुल जनरल केस हम पढ़ते हैं, मान लीजिए ब्लॉक है जिसका मास है एम, ब्लॉक का मास एम एंड कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज न्यू, क्लियर एकदम, और इस ब्लॉक पर मैंने एफ न्यूटन की फोर्स लगाई विद सम एंगल लेट्स से थीटा, क्लियर एकदम, विद सम एंगल लेट्स से थीटा, क्लियर एकदम, और हमें बताना है व्हाट इज द डायरेक्शन, मतलब थीटा के बारे में भी थोड़ी जानकारी देनी है, एंड एफ मिनिमम, क्लियर एकदम, एफ मिनिमम। चलिए एकदम सिंपल सी लॉजिक हम लगाते हैं, वेट कितना लग रहा होगा इसका, डाउनवर्ड एम जी, नॉर्मल रिएक्शन अपवर्ड फ्रिक्शन, ये इसको कंपोनेंट में ब्रेक करेंगे, सो दिस इज एफ कॉस थीटा एंड दिस इज एफ साइन थीटा। चलिए वाई डायरेक्शन में तो ये फिक्स है, कंस्टेंट है, मूव नहीं करेगा, दैट मींस क्या कंसेप्ट बन गया, नेट फोर्स अबाउट वाई डायरेक्शन विल बी इक्वल टू 0, इसका मतलब ये है नॉर्मल रिएक्शन प्लस एफ साइन थीटा विल बैलेंस विद एम जी, दैट मींस एन प्लस एफ साइन थीटा विल बी इक्वल टू एम जी, तो यहां से नॉर्मल रिएक्शन क्या आ जाएगा, एम जी माइनस एफ साइन थीटा, नॉर्मल रिएक्शन क्या आ जाएगा यहां से, एम जी माइनस एफ साइन थीटा। चलिए ड्राइविंग फोर्स कौन सी है, अब यहां पर ड्राइविंग फोर्स कौन सी है, एफ कॉस थीटा, ड्राइविंग फोर्स कौन सी है, एफ कॉस थीटा, मुझे इसकी मिनिमम वैल्यू निकालनी है, इसका मतलब क्या है, मान लो ये जस्ट टेंड्स टू स्लाइड है, इसका क्या मतलब है, एफ कॉस थीटा को किसने बैलेंस कर रखा होगा, एफ कॉस थीटा को किसने बैलेंस कर रखा होगा, लिमिटिंग वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन ने, एफ कॉस थीटा को किसने बैलेंस कर रखा होगा, लिमिटिंग वैल्यू ऑफ, देखो दो वर्ड है स्टैटिक फ्रिक्शन या लिमिटिंग वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, मैं कह रहा हूं कि ये जस्ट टेंड्स टू स्लाइड है, कि इसके बाद ये मूव कर ही जाएगा, इसका क्या मतलब है, इसका क्या मतलब है कि जो स्टैटिक फ्रिक्शन है ये अपनी लिमिटिंग वैल्यू तक पहुंच चुकी है, दैट मीन्स एफ कॉस थीटा को किसने बैलेंस कर रखा होगा, इन दिस केस एफ कॉस थीटा को किसने बैलेंस कर रखा होगा, लिमिटिंग वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन ने, क्या मेरी बात समझ में आ रही है, दैट मींस एफ कॉस थीटा विल बी इक्वल टू व्हाट, न्यू एन, दैट मींस एफ कॉस थीटा विल बी इक्वल टू व्हाट, न्यू, एन की वैल्यू क्या हो गई यहां से, एम जी माइनस एफ साइन
थीटा, चलिए यहां से एफ निकालिए, इसको और इसको सॉल्व करेंगे तो एफ कॉस थीटा बराबर न्यू एम जी माइनस एफ न्यू साइन थीटा, इसको आप इधर ले जाइए, इसको आप इधर ले जाइए तो क्या बन जाएगा, इस एफ कॉस थी साइन थीटा को यहां ले जाइए, एफ कॉमन तो क्या बन गया कॉस थीटा, क्या बन जाएगा ये कॉस थीटा प्लस न्यू साइन थीटा विल बी इक्वल्स टू व्हाट न्यू एम जी, दैट मीन्स एफ यहां से क्या आ गया न्यू एम जी अपॉन में कॉस थीटा प्लस न्यू साइन थीटा। चलिए अब इस पर हम थोड़ा सा मैथमेटिक्स लगाते हैं, ये हमें एफ तो मिल गया, अब देखो यहां पर थीटा तो वेरिएबल है ना, थीटा वेरी कर सकते हैं हम, इजीली वेरी कर सकते हैं, मुझे एफ को मिनिमाइज करना है, मिनिमम निकालनी है, मिनिमम, न्यू तो चेंज नहीं हो सकता कॉन्स्टेंट है, एमजी भी कॉन्स्टेंट है, लेकिन ये टर्म तो चेंज हो सकती है, कॉस थीटा प्लस न्यू साइन थीटा तो चेंज हो सकता है, एफ को मिनिमाइज करना है दैट मीन्स ये पूरी की पूरी टर्म मैक्सिमाइज हो जाए, अरे एफ को मिनिमाइज करना है दैट मीन्स ये पूरी की पूरी टर्म एफ को मिनिमाइज करना है तो ये पूरी की पूरी टर्म मैक्सिमाइज हो जाए। अब मैक्सिमा मिनिमा का कंसेप्ट आपको मालूम है, फर्स्ट डिफरेंशिएटर बराबर जीरो, इसका फर्स्ट डेरिवेटिव निकालो और जीरो के बराबर डाल दो, इसका फर्स्ट डेरिवेटिव निकालो जीरो के बराबर डाल दो और जो भी थीटा का आंसर आएगा वही क्या होगा उसकी मैक्सिमम वैल्यू और इसकी मिनिमम वैल्यू, क्लियर एकदम। तो क्या करेंगे फॉर मैक्सिमम मिनिमम, क्या करेंगे क्या करेंगे कि भैया क्या करो फर्स्ट डेरिवेटिव निकालो किसका, नीचे वाली टर्म का, दैट मीन्स कॉस थीटा प्लस न्यू साइन थीटा, और इसको किसके बराबर डाल दो जीरो के, यही क्या है एप्लीकेशन ऑफ मैक्सिमा और मिनिमा, क्लियर है एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन, क्लियर एकदम कंसेप्ट। चलिए भाई इसको डिफरेंशिएट करो, कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन माइनस साइन थीटा प्लस न्यू, साइन थीटा का कॉस थीटा बराबर जीरो, यहां से आप इसको पुट करोगे इसको उधर ले जाओ तो क्या आ गया साइन थीटा बराबर न्यू कॉस थीटा, दैट मींस टेन थीटा बराबर न्यू, बहुत जबरदस्त रिलेशन, टेन थीटा बराबर न्यू, दैट मीन्स फॉर मिनिमम फोर्स रिक्वायर्ड What is the direction of that force? First of all, what is the direction of force? आपको वो फोर्स एंगल ऑफ फ्रिक्शन पर लगानी पड़ेगी, सुन लो जरा, अगर आपको मिनिमम फोर्स चाहिए, एक ब्लॉक रखा हुआ है और आपको मिनिमम फोर्स से उसको खींचना है तो मिनिमम फोर्स के लिए आपको एंगल मस्ट बी कहां लगाना होगा, वो एंगल क्या लेना पड़ेगा, एंगल ऑफ फ्रिक्शन, That means अगर आप एंगल ऑफ फ्रिक्शन पर फोर्स लगाते हो, और एंगल ऑफ फ्रिक्शन क्या है वो आपको पता है, अगर आप एंगल ऑफ फ्रिक्शन पर फोर्स लगाते हो तो उस टाइम पर वो ब्लॉक मिनिमम से मिनिमम फोर्स पर ही आगे खिसक जाएगा, क्या मेरी बात समझ में आ रही है, क्या एकदम कंसेप्ट क्लियर है, वो मिनिमम फोर्स कितनी होगी वो अभी हम निकालेंगे, लेकिन क्या ये कंसेप्ट क्लियर है कि अगर मैं एंगल ऑफ फ्रिक्शन पर अपनी ये फोर्स लगाऊं तो वो फोर्स मिनिमम होगी, इस मिनिमम फोर्स से ब्लॉक आगे खिसक जाएगा, क्या मेरी बात समझ में आ रही है, क्या कंसेप्ट एकदम क्लियर है, वो मिनिमम फोर्स कितनी होगी अभी हम निकालेंगे, इस कंसेप्ट को आप नोट करिए, इस कंसेप्ट को आप नोट करिए, ये पोर्शन में रब कर रहा हूं, ये तो हमने सीख लिया कि अगर आप फोर्स को एंगल ऑफ फ्रिक्शन पर लगा रहे हो तो वो फोर्स क्या होगी मिनिमम, अब वो मिनिमम वैल्यू क्या होगी फोर्स की, कुछ नहीं है, टेन थीटा की वैल्यू उठा करके यहां पे डाल दूंगा आंसर आ जाएगा, एफ क्या आया है अपना न्यू एम जी अपॉन में कॉस थीटा प्लस न्यू साइन थीटा, क्लियर एकदम। चलो टेन थीटा की वैल्यू हमारी क्या आ गई न्यू, अगर मैं यहां से ट्राइंगल बनाऊं, इस तरीके से एक ट्राइंगल बनाऊं, ये थीटा ले लूं, सो टेन थीटा न्यू आने का क्या मतलब है, ये न्यू हो गया, ये वन हो गया, क्लियर एकदम, देख लो यहां से टेन थीटा न्यू आ जाएगा, क्लियर है, तो ये क्या हो जाएगा अंडर रूट वन प्लस न्यू स्क्वायर। चलिए यहां से साइन थीटा कॉस थीटा निकालिए और यहां पर पुट कर दो, यहां से साइन थीटा क्या आएगा जल्दी बोलो, यहां से साइन थीटा क्या आएगा, साइन थीटा क्या होता है जल्दी बोलो, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, दैट मींस साइन थीटा क्या आ जाएगा न्यू अपॉन अंडर रूट वन प्लस न्यू स्क्वायर, और कॉस थीटा क्या आ जाएगा यहां से बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। चलिए अब हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने जा रहे हैं यहां पर, चलो
न्यू एम जी की जगह न्यू एम जी अपॉन में कॉस थीटा की जगह क्या डालूंगा, कॉस थीटा की जगह 1 प्लस अंडर रूट 1 प्लस न्यू स्क्वायर प्लस न्यू की जगह न्यू, साइन थीटा की जगह क्या डालूंगा, साइन थीटा की जगह न्यू अपॉन अंडर रूट 1 प्लस न्यू स्क्वायर। चलिए इसको सॉल्व करेंगे, न्यू एम जी एज इट इज और इसका एलसीएम लिया तो 1 प्लस न्यू स्क्वायर ऊपर क्या आ जाएगा 1 प्लस न्यू स्क्वायर, इसको और सॉल्व करेंगे तो क्या आ गया न्यू एम जी अपॉन अंडर रूट 1 प्लस न्यू स्क्वायर। सो दिस इज द मिनिमम फोर्स। सो एफ मिनिमम कितना आ गया आपके पास, एफ मिनिमम कितना आ गया न्यू एम जी अपॉन अंडर रूट 1 प्लस न्यू स्क्वायर। सो दिस इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ फोर्स बाय विच दिस ब्लॉक कैन बी मूव ओवर दिस सरफेस। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? और डायरेक्शन क्या होगी, वी नीड टू अप्लाई दैट फोर्स एट द एंगल ऑफ फ्रिक्शन। क्या कंसेप्ट एकदम क्लियर है, कहानी एकदम क्लियर है, क्लियर एकदम कंसेप्ट, इसको आप नोट करिए। चलिए और प्रॉब्लम हम यहां करते हैं। मान लीजिए एक ब्लॉक है 5 kg का, उसको मैंने वॉल से ऐसे फिक्स कर रखा है, लाइक फिक्स कर रखा है, दैट मींस मान लीजिए व्हाइट बोर्ड ये डस्टर और मैं फोर्स ऐसे लगा दू, क्लियर एकदम। न्यूएस न्यू के गिवन है, 3 अलग अलग केसेस हम करेंगे। वो पूछ रहा है फाइंड द एक्सेलरेशन, फाइंड द एक्सेलरेशन एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। देखिए हो सकता है ये ऑब्जेक्ट ऐसे स्लाइड कर जाए, क्लियर एकदम, हो सकता है ये ऑब्जेक्ट स्लाइड कर जाए, हो सकता है स्लाइड ना करे, और उस केस में जब हम डिस्कस करेंगे बताऊंगा, हो सकता है ऊपर भी मूव कर जाए, सारी चीजें हमें देखनी होगी। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। अगर आप बहुत ध्यान से देखोगे हम तो फोर्सेस बनाएंगे। देखिए इसका वेट कितना लग रहा होगा, डाउनवर्ड 50 न्यूटन, दैट्स इट। और यही ड्राइविंग फोर्स, देखिए इस एक्सिस के अलोंग तो मूव नहीं करेगा, ये मूव तो इसी एक्सिस के अलोंग कर सकता है, क्यों, क्योंकि इस एक्सिस के अलोंग तो कंस्ट्रेंट हो गया, इसका मोशन फिक्स है, नहीं मूव कर सकता, क्लियर एकदम, क्योंकि आगे तो दीवार है। अब मैं इसको 500 न्यूटन से ऐसे इधर की तरफ पुश कर रहा हूं, तो दीवार भी इस पर नॉर्मल एक्शन इधर लगा रही होगी लाइक दिस, क्योंकि नेट फोर्स अलोंग दिस एक्सिस 0 है, कोई मूवमेंट नहीं है, तो मैं बोल सकता हूं नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू कितनी है 500 न्यूटन, ड्राइविंग फोर्स कितनी है इसकी 50 न्यूटन। तो सबसे पहले तो मैं ये चेक करूंगा ना कि यार लिमिटिंग वैल्यू तक है कि नहीं, क्योंकि यही 50 न्यूटन इसको नीचे खिसका रही होगी। तो न्यूएस इंटू एन क्या है, न्यूएस इंटू एन क्या होगा 0.4 × 500, तो ये कितना आ जाएगा 200 न्यूटन, लिमिटिंग वैल्यू 200 न्यूटन तक, और ड्राइविंग फोर्स जो कि इसका वेट है वो 50 न्यूटन ही है, नहीं मूव करेगा। दैट मींस एक्सीलरेशन क्या होगा इसका 0, दैट मींस स्टैटिक फ्रिक्शन किधर लग रही होगी, अपोजिट टू द ड्राइविंग फोर्स, और कितना होगा उसका मैग्नीट्यूड, इक्वल्स टू द ड्राइविंग फोर्स विच इज 50 न्यूटन। तो यहां पर Fs कितना हो गया 50 न्यूटन। देखिए मैंने Fs लिखा है, F लिमिटिंग नहीं लिखा, लिमिटिंग वैल्यू थोड़ी ना आएगी यार, लिमिटिंग वैल्यू तो 200 न्यूटन है, मतलब कि इस सिनेरियो में, इस सिचुएशन में ये 20 किलो का ऑब्जेक्ट तक ये समास कर, मान लो इस ब्लॉक का मास 20 किलो होता, इस ब्लॉक का मास 20 kg होता, तो इस पर वेट कितना लगेगा 200 न्यूटन, तो उसको भी ये बैलेंस कर लेती है सिचुएशन, क्लियर एकदम। लेकिन जैसे इसका मास 20 केजी से ज्यादा होगा ये नीचे की तरफ मूव करने लग जाएगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? यहाँ पर चलते हैं भाई, सेम सिचुएशन, बस मैंने फोर्स क्या कर दी 100 न्यूटन, क्लियर एकदम। चलिए ये दीवार इस पर नॉर्मल रिएक्शन इधर लगा रही होगी और एन की वैल्यू कितनी हो गई 100, और इसकी ड्राइविंग फोर्स कितनी है वेट 50 न्यूटन। हम लिमिटिंग वैल्यू चेक करेंगे, न्यू एस इंटू एन वो कितनी आ रही है 0.4 × 100, वो कितनी आ गई 40 न्यूटन। सीरियस 40 न्यूटन, दैट मीन्स इन दिस केस ये ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ मूव करने लग जाएगा, क्लियर एकदम। और क्योंकि देयर इज सम रिलेटिव मोशन बिटवीन दिस ऑब्जेक्ट एंड दिस वॉल, ये ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ रिलेटिवली मूव कर रहा है, तो कौन सी फ्रिक्शन आ जाएगी, अब काइनेटिक फ्रिक्शन विच इज न्यू के इंटू एन विच इज 0.3 × 100 विच इज 30 न्यूटन। दैट मीन्स क्या होगा, अब ये वॉल इस ब्लॉक पर ऊपर की तरफ 30 न्यूटन की फोर्स लगा देगी, तो नेट एक्सटर्नल फोर्स अलोंग द वॉल कितनी हो गई 50 - 30,
नेट एक्सटर्नल फोर्स कितनी हो गई, नेट एक्सटर्नल फोर्स कितनी हो गई 50 - 30 विच इज 20 न्यूटन, तो एक्सीलरेशन कितना आ गया, नेट फोर्स अपॉन में मास विच इज 4 m/s² डाउनवर्ड। क्या मेरी बात समझ में आ रही है, क्या कंसेप्ट एकदम क्लियर है? यहाँ पर चलते हैं भाई, यहाँ पर एंगल पर लगा दिया तो कोई नहीं, रिजोल्व कर लो यार। वेट कितना लग रहा होगा इसका, नीचे 120 न्यूटन। नॉर्मल रिएक्शन हेयर लाइक दिस, ये कंपोनेंट क्या होगा, ये कंपोनेंट क्या होगा, 500 cos 37, दैट मीन्स कितना होगा 400 न्यूटन। और ये कंपोनेंट कितना होगा, ये कंपोनेंट कितना होगा 300 न्यूटन। अब सबसे पहले समझने की बात समझिए, नेट ड्राइविंग फोर्स, देखिए दो वर्ड यूज करता हूं, नेट ड्राइविंग फोर्स और बाद में नेट फोर्स जब फ्रिक्शन को इन्वॉल्व कर लेता हूं। तो नेट ड्राइविंग फोर्स कितनी हो गई अब इस पर, नेट ड्राइविंग फोर्स 300 न्यूटन ऊपर और 120 न्यूटन नीचे, मतलब कि 180 न्यूटन ऊपर। नेट ड्राइविंग फोर्स कितनी हो गई, नेट ड्राइविंग फोर्स कितनी हो गई, देखिए लिख भी रहा हूं मैं, नेट ड्राइविंग फोर्स ऊपर की तरफ एरो बना दिया, कितनी हो गई वो 300 - 120 विच इज 180 न्यूटन, ये नेट ड्राइविंग फोर्स है। क्लियर है एकदम? अच्छा भाई, नॉर्मल रिएक्शन को यहां से हम इजीली देख करके क्या बोल सकते हैं, नॉर्मल रिएक्शन कितना होगा 400 न्यूटन। अब सबसे पहले तो हम ये चेक करेंगे ना यार, लिमिटिंग वैल्यू है कि नहीं, न्यू एस इंटू एन, न्यू एस इंटू एन क्या है भाई, न्यू एस इंटू एन यहां पर निकाल लेता हूं, न्यू एस इंटू एन क्या है यहां पर 0.4 इंटू नॉर्मल रिएक्शन कितनी है 400, तो कितना हो जाएगा ये 160 न्यूटन, कितना हो गया 160 न्यूटन। और नेट ड्राइविंग फोर्स कितनी है 180, दैट मींस इन दिस केस ये ब्लॉक ऊपर की तरफ खिसकेगा, दैट मींस अब कंसेप्ट किसका आएगा, काइनेटिक फ्रिक्शन का। तो FK की वैल्यू क्या होगी, FK की वैल्यू न्यू के इंटू एन विच इज 0.3 इंटू एन की वैल्यू क्या है 400, तो कितना आ जाएगा ये, कितना आ जाएगा 120 न्यूटन। That means, इस ब्लॉक पर ये ग्राउंड, सॉरी ये वॉल इस ब्लॉक पर नीचे की तरफ 120 न्यूटन फोर्स और लगाना शुरू कर देगी, तो नेट फोर्स कितनी हो जाएगी, नेट फोर्स कितनी हो जाएगी 180 ऊपर और 120 नीचे, तो कितना हो जाएगा 60 न्यूटन। और मास कितना है इसका 12, तो एक्सेलरेशन कितना आ गया 5 m/s² अपवर्ड डायरेक्शन में। क्या मेरी बात समझ में आ रही है, क्या ये लॉजिक आपको क्लियर हुआ है, ये कंसेप्ट क्लियर हुआ है? दो वर्ड यूज करता हूं, नेट ड्राइविंग फोर्स और नेट फोर्स, नेट ड्राइविंग फोर्स और नेट फोर्स। क्या मेरी बात समझ में आ रही है, क्या कंसेप्ट एकदम क्लियर है? इस प्रॉब्लम्स को आप नोट करिए। चलिए सो इस लेक्चर को हम यहीं रोकते हैं और नेक्स्ट लेक्चर में और भी मजेदार और बहुत इंटरेस्टिंग कंसेप्ट और बहुत ही अच्छी अच्छी प्रॉब्लम के साथ हम मिलेंगे। Problems of block, block problem, block over block problem, pulley problem, and many more interesting concepts. Thank you for now.